जिंदाबाद। पूरे जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में, चाहे वो जम्मू के पुंछ से हो, चाहे कश्मीर के कुपवाड़ा और बड़गाम कहीं भी हो, या अनंतनाग के उस कॉर्नर से हो, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें फोर्स किया है। कोविड के दौरान हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है, अपने दफ्तर के बाहर प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है वो कतई हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि हमारी कॉरपोरेशंस को अभी बनाया गया, अभी उसको 6 महीने भी नहीं हुए और गवर्नमेंट ने अभी इवैल्यूएशन भी नहीं किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन नहीं की, कोई DDU JY, कोई भी स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम, चाहे दूसरी PMDP स्कीम, PSDF स्कीम, कोई किसी की भी इवैल्यूएशन या अप्रेजल या इंप्लीमेंटेशन को वेट नहीं करने के बिना बार बार एक प्लान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरीज में थोप दिया है, वो है प्राइवेटाइजेशन का। मुझे बताइए, ये एक किस्म से डिक्टेटरशिप एटीट्यूड लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया है उसको हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और हम इसे कदें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमारी फैमिलीज को भी अब रिस्क में आना पड़ेगा। अगर ये सरकार 20 तारीख की मीटिंग में टोटली इस चीज को ड्रॉप नहीं करेगी ये आइडिया, तो हमें मजबूरन अपनी फैमिलीज को रिस्क में डालते हुए कोविड के दौरान भी हमें सड़क पे बैठना पड़ेगा, और इसके लिए हमारी फैमिलीज और उनके आगे जो भी हमारे परिवार हैं उनके जो रिस्क है उसकी सारी जिम्मेवारी जो है सरकार पे निर्भर करेगी। थैंक यू।